हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, बीजेपी और कांग्रेस फिर से राजनीति के मैदान में एक दूसरे पर तीर दाग रही है। मोदी के एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पप्पू मार्ग पर कांग्रेस मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मेरा आपसे खरी बात में ये जानना है कि क्या मोदी का पप्पू मार्ग भारत के मुसलमानों के खिलाफ था या मुसलमानों के संदर्भ में था, या फिर कांग्रेस इसे मुसलमानों के संदर्भ में बनाकर अपनी राजनीति कर रही है, इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं उस रिमार्क को पूरा दोहराना जरूर चाहूँगा ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि मोदी ने कहा क्या था। जी, वो रॉयटर्स की एक कोई संवाददाता थी, उनका इंटरव्यू लेने गई थी जी, और उन्होंने पूछा था कि मोदी जी 2002 के दंगों के पर आपको अफसोस है, दुख है या नहीं है जी। तो उस सिलसिले में मोदी जी ने कहा था कि देखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ना भी चला रहे हो, पीछे भी बैठे हो, और आपकी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ते का पप्पी बच्चा भी आ जाता है और वो मर जाता है तो उसका भी दुख होता है जी। जी, बात थी ये। देखिए, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक जानवर के बच्चे के भी गाड़ी के नीचे आने से या आपके कारण मरने से, बेशक आप ड्राइवर ना हो लेकिन आप जिम्मेवार तो हैं क्योंकि गाड़ी आपकी है, उसका भी अगर उस मालिक को दुख है, गाड़ी के मालिक को, तो इतने बड़े हादसे का जो हुआ था दंगा, उसका क्या उसको दुख नहीं होगा जी। जी, सोचने के लिए तो ये है जी। उन्होंने कहीं भी मुसलमान गार किसी का नाम नहीं लिया कि वो कुत्ते के बच्चे हैं। अब उसको अपने फायदे के लिए कांग्रेस या विपक्ष कैसे घुमाए वो उनकी मर्जी है जी। जी, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी ये साबित कर दे कि इसमें मुसलमान का है, वो इंसान का भी कह सकते थे कि गाड़ी के नीचे इंसान कोई आ जाए तो दुख तो होता ही है, बेशक आप ना चला रहे हो। लेकिन कुत्ते का कहने का मतलब ये है कि वो आदमी कितना सेंसिटिव है, इंसान की मौत का तो दुख होगा ही होगा, लेकिन उसको एक जानवर के पिल्ले का भी दुख है, तो इसमें उसने गलत क्या है? उस आदमी की उस सेंसिटिविटी का क्यों नहीं हिसाब लगाते वो जो आज ये कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस का कहना है कि पप्पी कह के उन्होंने मुसलमानों पर जो है प्रहार किया है या मुसलमानों की तरफ इशारा किया है, तो ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है फिर ये सब? अब आपका ये कहना है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है फिर जी? देखिए, उसके पीछे कांग्रेस की अपनी राजनीति है। आज कांग्रेस के पास मोदी के स्ट्रेचर का कोई भी लीडर नहीं है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, मोदी पे कुमनिल चाहे चलो, उनके टाइम में एक दंगा हुआ था जी, तो कांग्रेस के टाइम में कब नहीं हुए दंगे जी? 84 में जब दिल्ली में दंगे हुए सिखों के खिलाफ जी, तो प्रधानमंत्री कौन था कांग्रेस का जी? 92 में जब मुंबई दंगे हुए तब CM हुआ किस पार्टी का था? कांग्रेस का। तो दंगे कहीं भी होना देखो है तो बहुत बुरी चीज, और इसमें बेकसूर लोगों की हत्या होती है, इसमें कोई बात नहीं, दंगे कहीं भी नहीं होने चाहिए। अब उस दंगों के कारण एक लगा लो दाग मोदी पे कुछ है जी, बाकी एक चीज इन पे आप दाग नहीं लगा सकते कि मोदी करप्ट है, ये उनके विरोधी भी मानते हैं जी। अब वो विकास पुरुष के दम पे बीजेपी के चेयरमैन बन के उभरे हैं, बीजेपी मजबूर क्यों हुई मोदी को बनाने पे अपना चेयरमैन चुनाव कमेटी का? अगर आज चुनाव कमेटी के चेयरमैन है तो कल को ने चुन लिया है कि प्रधानमंत्री भी होंगे। मोदी के लिए वो अडवाणी जी को भी नाराज करने को बीजेपी तैयार हो गई, क्यों? इसके पीछे के उनको पता है कि मोदी के विकास के कारण मोदी का आज सारे देश में नाम है। अब उस विकास के दम पे कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो उन्हें क्या है घुमा के बात कहाँ लानी है कि मोदी को जैसे भी हो कुमनिल साबित कर दो। अब वो कुमनिल साबित कैसे करेंगे कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के जैसे भी हो उसमें अपनी राजनीति करेंगे, सांप्रदायिकता उनको लानी उनके लिए मजबूरी है। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो यही बैठे बैठे मोदी के हर बयान का डाइसेक्शन करते रहते हैं कि कैसे इसको घुमा के कुमनिल रूंग दिया जाए ताकि इस बेस पे मुसलमानों की जो वोट है वो माइनॉरिटी की वो लामबंद करके अपने हक में की जा सके, वोट पोलराइजेशन की जा सके। ये उसके पीछे राजनीति है, इसीलिए वो मोदी के हर बयान को
तोड़ मोड़ के पेश करिए। मोदी ने कहीं नहीं कहा कि मुसलमान कुत्तों के बराबर हैं, नहीं। और अगर ऐसा उसकी फितरत होती, देखिए वो आदमी 3 बार लगातार CM बन के आया है, क्या ऐसी 3 बार CM को बन सकता है जो इतनी बड़ी कम्युनिटी को नज़रअंदाज करता हो? जी ऐसी बात नहीं है कि वहाँ विरोध हो, कोई तो जीते, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे मुसलमान भी उनको वोट देते हैं। गुजरात में कांग्रेस गुजरात में ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस की टिकट पे, और कांग्रेस कहती है कि मोदी पॉपुलर नहीं है। जी तो बात ये है कि कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, सिर्फ मोदी को अगर वो हरा सकती है, अगर आज कांग्रेस के पास मोदी के खिलाफ अपने बचाव के लिए कोई ढाल है तो वह कम्युनल। जी इस इलेक्शन को कम्युनल रंग देना, सांप्रदायिक का रंग दे दो ताकि वोट इकट्ठे हो जाए। उनके पास एक यही एक उम्मीद है इलेक्शन में जीत की, मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की। जी पर राहुल जी देखिए, मोदी जी के 2 बयान आए हैं, एक ये कि पप्पी रिमार्क, और एक आया है कि बुर्के के पीछे कांग्रेस छुप जाती है। ठीक, देखिए शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी भी बखूबी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, और इस तरह के वो बयान या इस तरह की बोल कांग्रेस के पाले में क्यों डाल रहे हैं बार बार? एक बार पप्पी का रिमार्क देगी, एक बार बुर्के का रिमार्क देगी, वो कांग्रेस को कहने का मौका क्यों दे रहे हैं? इस पर आपकी खरी राय क्या है? देखिए मोदी भी यहाँ मजबूर है, मोदी को भी पता है कि वोट सिर्फ विकास के नाम पे वोटें इतनी नहीं आ सकती जी। उसके पीछे उनकी भी अपनी एक सोच है, अगर उसे बहुमत की वोट चाहिए तो उसे भी थोड़ा बहुत उसको अपना कुम्भल रंग देना पड़ेगा कि कांग्रेस को ये दिखाना जरूरी है मोदी के लिए, कांग्रेस मुसलमानों को अपीजमेंट करती है, खुश करने के लिए काम करती है, ताकि बहुमत की जो वोटें हैं वो भी उसकी तरफ आ जाए। कट्टरपंथी देखो सभी मोदी मुसलमानों में है, तो कुछ हिंदुओं में भी कट्टरपंथी है, उनको लामबंद करने के लिए मोदी को दोनों तरफ रहना पड़ता है। विकास पुरुष वो है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो उन्होंने साबित कर दिया। इलेक्शन से पहले उन्हें उनको भी पकड़ना है जो लोग सिर्फ अपने हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं जी। तो उनके लिए उन्होंने कांग्रेस पे थोड़ी ही कुम्भनिल की चोट करना उनके लिए जरूरी भी है और उनकी मजबूरी भी है। नहीं मैं इसी बात पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर नरेंद्र मोदी कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पे क्यों नहीं लेके आ रहे? वो ऐसे बुरखा पप्पी रिमार्क दे के तो वो कांग्रेस को जो है मजबूत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इस पर आपकी क्या राय? देखिए आपकी बात सही है कि वो ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अकेले मोदी हैं, विकास पुरुष हैं, क्लीन कांग्रेस के मामले में काफ़ी CAG मामला हुआ है, भ्रष्टाचार के बहुत से मामले आए हैं, बहुत से मामले हुए हैं वहाँ पे, सारी बातों में कांग्रेस की ये BJP की सरकारें भी उसमें फिट नहीं आती, भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस BJP पे भी कहीं ना कहीं लगता है वो दाब। अब जैसे 2G में कह दो कांग्रेस पे है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब BJP की सरकार सेंटर में थी। नहीं मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी BJP कांग्रेस को जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे क्यों नहीं कस रहे, घेरते, क्यों नहीं घेर रहे, क्यों नहीं घेर रहे? मैं यही तो बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं BJP पे भी वो दाग हैं उनके शासन के टाइम में भ्रष्टाचार के, अगर उनके ज्यादा हैं तो कुछ न कुछ BJP पे भी हैं। अब कर्नाटका में जैसे येदुरप्पा ने BJP की खाट खड़ी कर दी जी, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी, लोकायुक्त ने उनके ऊपर केस बनाए, वो जेल भी गए, तो अगर वो लगाते हैं तो वो उनका नाम ले देते हैं, इस करके वो ज़्यादा उस लाइन पे नहीं चल रहे। अगर विकास उन्होंने अपनी छवि दिखाना है कि मुझे, जैसे गुजरात में पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि आप पार्टी को नहीं मुझे वोट दीजिए जी, मैंने काम किया है, अगर मैंने ठीक किया तो मुझे वोट दीजिए जी जी, तो वो उनकी छवि बनी हुई है, बेदाग है, उसमें कोई दायर उनको कहने की जरूरत नहीं। अगर वो एज ए पार्टी कांग्रेस को उस मामले में हेरते हैं तो कुछ न कुछ उसकी पार्टी पे भी दाग आते हैं, ड्रॉबैक उन पे भी आता है। तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कम्युनल का कार्ड खेलता है तो वो क्यों नहीं खेले, क्योंकि बहुमत जो ज़्यादा है वो हिंदुओं का है, तो उनको वो इसलिए वो ये खेल रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और BJP दोनों ही चाहती हैं कि 2000 का इलेक्शन कम्युनल पे लड़ा जाए, ना कि विकास पे या फिर भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे, दोनों ही पार्टियाँ ये चाहती हैं कि इस इलेक्शन को
कम्युनिज्म का रंग दिए दिया जाए। बिल्कुल चाहती हैं, क्योंकि 2009 का इलेक्शन इन्होंने देख लिया था, महंगाई तब भी एकदम हो गई थी जी। सेंटर ने 6th पे कमीशन बढ़ा दिया था, एकदम सबकी तनख्वाह होगी, महंगाई एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जी, जी। तब बीजेपी को लग रहा था वो, बल्कि नारे भी लगाने लग गए थे कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस जा रही है जी, जी। लेकिन वो नहीं जीत पाए, बल्कि कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ा बैठी थी जी, जी। तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों से इलेक्शन अकेले नहीं जीता जाएगा, तो थोड़ा हकुम नील रंग देना, अपने वोट बैंक को इकट्ठा करना भी उनको जरूरी लग रहा है। दोनों पार्टी की मजबूरी है, ये मजबूरी है उनकी, और मजबूरी में ही कोई पार्टी कुछ भी काम करती है, बगैर नहीं करती, सिर्फ उनके पीछे मजबूरी एक ही होती है, वोट कैसे आए, वोट कैसे हथियाई जाए, उसके लिए काम करती है। राहुल जी, मिड डे मील से बिहार में 23 बच्चों की जान चली गई, इस घटना के बाद राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, तो मेरा खरी बात में आपसे पूछना है कि ऐसे हादसे के बाद क्या एकजुटता नहीं दिखानी चाहिए राजनीतिक पार्टियों को? एक दूसरे पर इल्जाम लगाना कहाँ की इंसानियत है, इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, पहले तो मैं उन परिवारों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है जी। दुख की इस घड़ी में भगवान उनको हिम्मत और हौसला दे जी। रही बात है कि इसमें राजनीतिकों को अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए कि नहीं, मैं नहीं मानता कि राजनीतिकों को इंसानियत बची हुई है। अपने इस सवाल का पूरा जवाब देने से पहले मैं ये बताना जरूरी समझाऊं कि मिड डे मील स्कीम है क्या और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी जी। मिड डे मील वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था काफ़ी साल पहले, और जिसमें ये आया था कि भारतीय बच्चों का कई एरिया में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि उन्होंने कंपेयर किया था कि सारा की जो इथोपिया और ये गाना जैसी बहुत ही गरीब कम देश है ना, युगांडा जैसे, उनसे भी कम है। तो उस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, वे बच्चों को दोपहर में स्कूल में खाना दिया जाएगा, पौष्टिक भोजन दिया जा रहा, जिसे मिड डे मील कहते हैं, ताकि उनका ग्रोथ सही हो सके, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं जी। अगर उनको पूरा पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या जवान बनेंगे, जब बचपन भूखा है तो जवानी क्या होगी जी। तो इसी तरह पे इसको शुरू किया गया था, स्कीम बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अब इसको लागू करने का जुम्मा किसका होता है? स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर का जी। उसकी देखरेख में भोजन पकाया जाता है और बच्चों को सर्व किया जाता है जी। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ग बन चुका है जिनके मुंह के मांस लग चुका है, वो भोजन कौन खाता है नहीं खाता है, उससे कोई मरता है या जीता है, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने मुनाफे से मतलब है, और उसी मुनाफे का ये निकालने का ये अंजाम है कि 23 बच्चों की मौत हो गई। वरना देखिए, आप भोजन परोसते हैं घर में, कभी किसी के वो फूड पॉइजनिंग हो जाए किसी वजह से, वो एक अलग बात है, लेकिन खाने में जहर आ जाए ये नहीं होता है, तो वहाँ क्यों होगा इतने बच्चों के इतने जिम्मेवार होते हुए भी, क्योंकि किसी को परवाह नहीं, वहाँ खाने कौन जाते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, और इसी उम्मीद में कि वो माँ बाप वहाँ भेजते हैं कि बच्चा पढ़े भी और साथ में एक वक्त का भोजन भी खाएगा, जो कि सुबह शाम की रोटी का जुगाड़ करने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। अब वही बच्चे वहाँ जाकर ऐसा खाना खा के मर जाते हैं, और उन लोगों को मुनाफा की पड़ी रहती है, तो सोचिए देश का भविष्य क्या होगा जी। अब ये बच्चे कहाँ के मरे हैं? बिहार के, जहाँ के 10 में से 3 बच्चे IAS IPS अफसर बिहार के होते हैं। 10 में से 3 बच्चे IPS और IAS में बिहार के सिलेक्ट होते हैं, तो मानिए स्टेट कितने हैं, 28 स्टेटों में से अकेला एक तिहाई के दे रहा है, तो वहाँ एजुकेशन उन बच्चों को, उस राज्य के बच्चों में एजुकेशन कितनी अहमियत रखती है, इन बच्चों में तो उनमें से भी कुछ तो निकल सकते थे 23 बच्चों में से जी। तो ऐसी बात यह है कि आप अपने सोचना चाहिए कि एक मुनाफे के लिए, अपने मुनाफे के लिए बच्चों की जान देना लेना कितना बड़ा गुनाह है। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली नहीं मारा, पकाया नहीं, लेकिन मैं इनको नरभक्षी से कम नहीं मानता, सिर्फ यही है कि इन्होंने उनको पका के खाया नहीं, लेकिन मारा तो है बच्चों को जी। आप भिखारी को भीख देते हैं, आप बासी भोजन दे दें, आपकी मर्जी, भिखारी ले ना ले वो उसकी मर्जी, उसके खाने से कुछ होता है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ भीख नहीं दे रहे किसी को,
ये बच्चों का हक है जी, मिड डे मील बच्चों का, मिड डे मील बच्चों का हक है, सरकार उसको दे रही है और उसमें से भी खा रहे हो तो दया नहीं कर रहे आप, तो वो जुल्म कर रहे हो उन बच्चों के ऊपर जी, उनका हक भी मार रहे हो और मार भी रहे हो और उनकी जान भी ले रहे हो। प्लेट में आप भोजन पसोरने की परोसने की बजाय आप जहर परोस रहे हो, मौत परोस रहे हो जी। तो इसका अंदाजा लगाइए कि बच्चों के छोटे छोटे दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, कल को वो प्लेट में जब डला भोजन देखेंगे तो क्या उन्हें अपने दोस्तों की और मित्रों की शक्ल नहीं याद आएंगी, क्या वो उस भोजन को खा पाएंगे जी। मिड डे मील ना हो कि मौत का भोजन, मौत का भोजन हो गया या मौत का भोजन बन गया ये, तो इसका असर कितना पड़ेगा, सिर्फ एक कुछ है लोगों के मुनाफे के कारण। तो मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के जिन लोगों ने ये किया उनकी जांच होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। अब रही आपकी बात राजनीति कर रही है, देखिए हमारे नेता राजनीति करने में तो हमेशा चुस्त रहते हैं। नहीं, उनका ये बयान आया है कि जेडीयू के मंत्री का बयान आया है कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, सरकार गिराने का षड्यंत्र है, उन्होंने इल्जाम लगाया विपक्ष पर, विपक्ष इस मामले के बाद। मेरा सवाल आपसे ये था। अच्छा, तो इल्जाम लगाया, षड्यंत्र किया है विपक्ष ने। देखिए षड्यंत्र तो खुद जिसने कहा है उसी ने किया है, उसको लोगों ने जिताया था, कैसे जिताया, क्या कह के वोट मांगे थे, इस पे गौर कीजिए पहले कि हम लालू प्रसाद यादव के कुशासन से आपको निजात दिलाएंगे। जेडीयू ने ये वादा था कि लालू प्रसाद यादव के कुशासन से आपका निजात दिलाएंगे, पीछा छोड़ाएंगे, हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो आपने ये कह के वोट मांगे थे, अब आपके राज में उनका ही कोई आदमी षड्यंत्र करके, वो है भी कि नहीं पता नहीं। वो तो बाद में पता, चलो मान लिया कि वो है, वो मंत्री वाली बात मान भी ले कि वो है, तो आप क्या कर रहे थे, आपको नहीं पता था, आप उन्हीं के कुशासन को खत्म करने के लिए लोगों ने आपको सत्ता की डोर सौंपी थी जी। तो आपने क्यों नहीं उनको रोका, आपको नहीं पता था वो आपके विरोधी, वो आपके खिलाफ तो चालने करेंगे ही, वो तो हमेशा षड्यंत्र करेंगे ही, तो आपने क्यों गया। तो मैं ये मानता हूँ कि उससे बड़ा षड्यंत्र तो इस जेडीयू के मिनिस्टर का है जिसने अपने पब्लिक के खिलाफ साथ षड्यंत्र किया है, सत्ता में आया लेकिन संभाल नहीं सका जी। अब उसने दो घंटे के अंदर उसने ये बड़ा जल्दी पता कर लिया कि जेडीयू का किया हुआ षड्यंत्र है, तो 9 साल आरजेडी का मंत्री ने ये पता लगा लिया, जेडीयू के मंत्री ने आरजेडी का षड्यंत्र किया हुआ है जी। तो आप 8 साल से, 7-8 साल से सत्ता में है, तब आपने ये नहीं पता लगा, कोशिश करी रोकने की कि ये काम कर सकते हैं, आप 8 साल में वो काम नहीं कर सके, आपको 2 घंटे में ये पता, तभी तो आपने कहा है कि ये कर सकते हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो इसका मतलब आपको पता पहले नॉलेज थी कि ऐसा कर सकते हैं, तो रोकने का काम क्यों नहीं किया। तो षड्यंत्रकारी मैं ये मानता हूँ कि अगर वो है आरजेडी वाला तो उससे बड़ा तो ये जेडीयू का मिनिस्टर षड्यंत्रकारी है। देखिए पहले शास्त्री जी के टाइम में एक रेल की दुर्घटना हुई थी, शास्त्री जी ने उसी टाइम शाम होने से पहले इस्तीफा दे दिया था जी। और आज के मंत्री ऐसे हैं कि 23 बच्चों की, निरपराध बच्चों की, मासूमों की जान चली गई, इस्तीफा देना तो दूर, वो दूसरे पे इल्जाम ठोक रहे, वो भी 2 घंटे के अंदर, जबकि ये नहीं पता कि मौत का असल कारण क्या था, जहर था, फूड पॉइजनिंग था या कुछ और था। लेकिन क्या है, राजनीति करनी, क्योंकि विपक्ष वो उन्होंने आरजेडी ने ये मंत्री जी साई जी गोपालगंज में ये इलेक्शन में पिछले एमपी इलेक्शनों में हराए थे, तो इनका निशाना यही रहता है हमेशा एक दूसरे अपने विरोधी के ऊपर निशाना लगाना। तो क्या रिजल्ट आएगा ऑटोस्पी में, क्या पोस्टमार्टम में क्या आता है, वो एक बात की बात है जी। लेकिन कम से कम मासूम बच्चों का क्यों हुआ और फिर से ऐसा ना हो ध्यान तो उस तरफ जाना चाहिए सबका मिलके कि कल को हमारे बच्चों को फिर से ऐसा ना हो, किसी की माँ की गोद ना उजड़े, तो फिर उस पर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो वक्त का तगाजा यही है कि इस हादसे के कारण क्या है उनको तय तक जाए, जिनकी गलती से ये हुआ है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि आगे एग्जाम्पल क्रिएट हो, और उससे बड़ी चीज ये है कि ऐसे हादसे फिर से ना हो, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, और तभी उन बच्चों में विश्वास बढ़ेगा और वो वापिस स्कूल की तरफ आना शुरू करेंगे जी। देखिए उस आपने 2 लाख का मुआवजा दे दिया, हाँ
सरकार ने घोषित किया। हाँ, तो मैं इसको एक नमक पे जख्म पे नमक छिड़कने जैसा मानता हूँ। आप जिस माँ का बच्चा गया है वो आपको पता है कि बिहार में कम से कम आईएएस आईपीएस बनने का ट्रेंड कभी से सबसे ज़्यादा है, वो दिल्ली में आके सबसे ज़्यादा तैयारियाँ जहाँ के बच्चे करते हैं वो बिहार के होते हैं जी। तो इन 23 बच्चों में से पता नहीं कितने इस तरह की सर्विस में जाते हैं, तो उस माँ का कैसे पेटा बनेगा। ठीक है, सरकार है, अपनी तरफ से जो भी करती है वो करेगी ही, लेकिन कम से कम ये सुनिश्चित जरूर कर दे कि आगे से ऐसा हादसा ना हो, जो बच्चों का हक है वो उन तक जरूर पहुंचे। जी राहुल जी, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जो दागुर फिल्म जब आई थी तो उसका विरोध हुआ था, काफ़ी हंगामा हुआ था जी। अब वही टीवी सीरियल जब एकतापुर का आ रहा है जोधा पर, तो उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा आपसे पूछना है कि जब 1960 में आए मुगल आजम को लोगों ने इतना पसंद किया था, तो जोधा और अकबर का अब इतना विरोध क्यों हो रहा है, इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, इसका विरोध का एक उनका कारण है जी। जब भी कोई फिल्म ऐतिहासिक विषय पे या ऐतिहासिक कैरेक्टर पे बनती है जी, पीरियडिक फिल्म, पीरियडिक फिल्म, तो उसमें जरूरी है कि कुछ मसाला वगैरह तो डाला ही जाता है जी। डॉक्यूमेंट्री में तो आप यूं का यूं दिखा सकते हो, लेकिन फिल्म में ड्रामा क्रिएट करना जरूरी होता है जी। ये उसकी एक मजबूरी भी होती है जी। लेकिन यहाँ ड्रामा क्रिएट करने की जगह कैरेक्टर ही गलत क्रिएट है, गलत ही कैरेक्टर ही झूठा है जी। किसका? जोधा का। अकबर की बीबी का नाम जोधा बाई था ही नहीं। ओके। हाँ, जब इसका मैं आपको पूरा बताता हूँ, अकबर ने जिस औरत से शादी करी उसका नाम था हीरो कुमारी, हीरा कुमारी। ओके। और वो अंबेर की राजकुमारी थी। ओके। इसमें कोई लव स्टोरी नहीं थी कि अकबर वहाँ गया, उसे वो पसंद आई, उन्होंने गाना गाया और उनमें प्यार हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। पहले राजा आपस में क्या करते थे, जब एक दूसरे से दोस्ती करते थे तो रिश्ते ऐसे ही अपनी लड़की उसको डोले में देते थे, मुसलमान निकाह कर देते थे, हम डोला बोलते थे, राजपूत ऐसे होता था जी। उसको आपस के दोस्ती को प्रगाढ़ मजबूत करने के लिए होता था। ऐसे ही हीरा कुमारी की राजपूत लड़की की एक मुसलमान मुगल राजा से शादी हुई थी। ओके। इसका पीछे तो मेन कारण ये है कि वो जोधा भाई उसका नाम था ही नहीं। ये ऐतिहासिक साबित है, अफजल फजल की एक किताब में लिखा हुआ है, जो राजकुमार का जिसका जन्म हुआ उसके नाम, उस औरत का नाम ये हीरा कुमारी ही है, सलीम जिसकी, सलीम की माँ का नाम, सलीम की माँ का नाम हीरा कुमारी, हीरा कुमारी। उसका स्पेशल मेंशन इसलिए है कि उसी से एक राजकुमार पैदा हुआ था जो बाद में फिर जहांगीर के राम में जिसने शासन किया। ओके। अब गड़बड़ राजपूतों को क्यों दिक्कत होती है, नंबर एक तो ये राजपूत लड़की थी, राजकुमारी थी हीरा कुमारी जी। लेकिन वो भी चल जाती, चलो नाम, लेकिन जिस जोधा का वो अकबर की प्रेमिका दिखाया जाता वो असल में उसके लड़के की पत्नी थी। ओके। हाँ, अब देखिए ये हीरा कुमारी जो अकबर की पत्नी थी ये इसकी भतीजी थी एक मल्यावती। ओके। वो उसके भाई की लड़की थी, वो अंबेर की राजकुमारी थी। ओके। हीरा कुमारी अंबर की राजकुमारी थी, वो अंबेर की राजकुमारी थी। उसने अपनी भतीजी की अपने बेटे सलीम के साथ शादी की थी, जो बाद में जैसे मैंने बताया जहांगीर के नाम से जो गद्दी पे बैठा था जी। तो राजपूतों को इसलिए परेशानी आती है कि आप बेटे की बहू को अपने ससुर की बहू कैसे बना रहे हो। ओके। इसलिए वो एतराज करे, उन्होंने बनाने से कोई एतराज नहीं है कि ठीक है शादी की थी, राजपूतों ने अपनी लड़की दी थी जी। इस पे उन्हें एतराज नहीं है, लेकिन जब आप पुत्र वधू को उसकी ससुर की वधू बनाओगे तो वहाँ तो एतराज होगा ही जी। तो जो हिस्ट्री को ये गलत तरह से पेश करते हैं। रही बात आपकी 1960 में मुगले आजम आई थी जी, वो आपकी बात सही है कि बहुत ज्यादा हिट हुई थी जी, लेकिन हिस्टोरियंस ने उस टाइम भी उस पे एतराज उठाया था कि ये कैरेक्टर गलत है जी। लेकिन तब वो उन्हीं तक सीमित रह गया था, आवाज दब गई थी उनकी, दब ही नहीं मतलब तब इतना प्रचलन भी नहीं था सिनेमा का, टीवी का, मीडिया, बड़े बड़े शहरों में ही फिल्में लोग देखते थे, छोटे तो देखते भी नहीं थे और इसको अच्छी चीज भी नहीं मानते थे, कुछ परिवार तो अच्छे भी नहीं मानते थे, इसलिए वो फिल्म चल गई और वो एक स्थापित सत्य बन गया लोगों के दिमाग में कि जो दबाई अकबर की प्रेमिका थी और उसकी फिर वो महारानी बनी। कहानी में प्रेम दिखाना देखिए एक जरूरी है,
उसको मसाला लगाना वो तो ठीक बात है, लेकिन जोधा उसकी पत्नी नहीं थी, उसके बेटे की पत्नी थी। इस बात से इनको राजपूत लोगों को एतराज होता है, और जो उनका जायज भी है, हिस्ट्री को गलत तरह से पेश कर रहे हैं इसलिए वो एतराज उठा रहे हैं। यही फिल्म में एतराज करने का उनका कारण था, यही इस सीरियल का कारण है। जी धन्यवाद राहुल जी। वेलकम। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।